स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, गंगा जल जिसे हिंदू धर्म में एक पवित्र जल कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार कई सदियों से बह रही गंगा नदी एक पवित्र नदी है। गंगा नदी के पानी की सच्चाई तो आप जानते ही हैं, जिसमें ना कि केवल हम नहाते हैं बल्कि इस जल को हम पवित्र कार्यों में भी काम में लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा जल में कभी भी कीड़े पैदा नहीं होते और न ही ये पानी कभी बदबू देता है, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। जबकि गंगा नदी में कई फैक्ट्रियों के नाले डाले जाते हैं और लाशें भी बहाई जाती हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत शुद्ध होता है। और इस पानी के उपयोग से किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। आखिर ऐसा क्या है गंगा जल में? यह हमें और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन एक फ्रेंच वैज्ञानिक के अनुसार गंगा के पानी में एक स्पेशल निंजा वायरस होता है, जो पानी में पैदा होने वाले बैक्टीरिया को मार देता है और गंगा के पानी को सड़ने से बचाता है। एक प्रकार से ये निंजा वायरस इंसान के दोस्त होते हैं और बैक्टीरिया के दुश्मन के रूप में काम करते हैं। निंजा वायरस के होते हुए गंगा जल को खराब करने वाले बैक्टीरिया पैदा नहीं हो पाते, और जब बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो पानी भी नहीं सड़ेगा। अभी इस पर और भी रिसर्च चल रही है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।